नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही। तो चीन का एक नया झूठ पकड़ा गया है, बहुत बड़ा खुलासा आज हम करने वाले हैं, जो ये साबित करेगा कि कैसे चीन को कोरोना वायरस के बारे में पूरी जानकारी थी। उसने दुनिया को ना तो चेताया और ना ही इस बारे में जानकारी दी, उल्टे अपनी तैयारियां करता रहा। अमेरिका की एक वेबसाइट है politico.com, इसमें छपा है कि कैसे चीन ने जनवरी के पहले हफ्ते में ही दो तरह से तैयारियां करनी शुरू कर दी थी, पीपीई किट्स को लेकर, ग्लोव्स को लेकर, मास्क को लेकर, थर्मामीटर को लेकर। उसने अमेरिका से, यूरोप से और दूसरे देशों से मास्क और ग्लोव्स मंगाने शुरू कर दिए। क्यों मंगा रहा था? यानी चीन को पता था कि कोरोना एक महामारी के रूप में सामने आने वाला है और इसके लिए तैयारियां करना बहुत जरूरी है और इस तरह के सामग्री की जरूरत होगी। तब तक तो हम और आप पीपीई किट के बारे में जानते तक नहीं थे। और दूसरी तैयारी चीन ने क्या की, जो अपनी तरफ से वो एक्सपोर्ट करता है, चीन आप जानते हैं दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है, अपनी तरफ से जो इन चीजों का एक्सपोर्ट करता था वो एक्सपोर्ट उसने घटा दिया। आखिर कौन देश नहीं चाहता कि विदेशी मुद्रा उसको हासिल ना हो, तो चीन ने आखिर घटा क्यों दिया? यानी साफ तौर पर चीन को कोरोना महामारी के बारे में पता था। क्या घटाया? ग्लोव्स का जो निर्यात चीन करता था उसमें 48% की कमी कर दी, मास्क के निर्यात में 45% की, थर्मामीटर के निर्यात में 53% की, थर्मामीटर तक के निर्यात में 53% की कमी की चीन ने, और इसी तरह वेंटिलेटर के निर्यात में भी 45% की कमी की। अब ये जो वेबसाइट में छापा है, इसका समर्थन एक तरह से अमेरिका के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है माइक पोम्पियो, जो हम कह सकते हैं हमारे यहाँ विदेश मंत्री जो होते हैं, उन्होंने वहां फॉक्स न्यूज और एक दूसरे चैनल को इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू में उनसे इस बारे में सवाल पूछा गया, तो इसका उन्होंने खंडन नहीं किया। उल्टा उनका अपनी तरफ से ये कहना था कि चीन एक बेहद चालाक देश है, जिसने चीन ने दो तरह से चालाकी बरती, दुनिया को चेताया नहीं, खुद की तैयारियां की, पत्रकारों को वहां से भगाया, मेडिकल स्टाफ जो बोल रहा था कुछ उसको खामोश किया, और कुछ एक दो डॉक्टर तो अभी तक गायब हैं जिनके बारे में कोई नहीं जानता। चीन का ये बहुत बड़ा खुलासा अभी सामने आया है, जो साफ साफ बता रहा है कि चीन किस तरह का देश है। आप जानते हैं कि इससे पहले भी चीन पर आरोप लगते रहे हैं, मौत का आंकड़ा छुपाया, पहले का युआन में 3200 के आसपास मरे, फिर अचानक एक दिन कह दिया कि 4800 मरे। भाई 3200 के 3300 3400 हो सकते हैं, लेकिन 4800 50% ज्यादा कैसे हो सकते हैं, वो भी उस चीन में जो कि एक एक नागरिक का पूरा डाटा बेस तैयार है, वहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीन में होती है पूरी दुनिया भर में नहीं होती। वहां आपका जो मोबाइल है उसके जरिए चीन आपकी सारी चीजों की निगरानी करता है कि आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, कितनी देर तक मिलते हैं, घर से बाहर कितनी देर रहते हैं। और ऐसे में चीन मौत के आंकड़े को लेकर इतनी बड़ी चीज छुपा गया, या उसको एहसास नहीं था और अचानक पता लगा। ऐसे ही जो मोबाइल वहां करीब 1.5-2 लाख, 5 लाख जैसे लोग अलग अलग संख्या बता रहे हैं कि वो कम हो गई है, तो वो संख्या कम हो गई है, क्यों हो गई है, इस पर भी सवाल उठता है। इससे पहले भी इस तरह की बातें आती रही कि युहान के अंदर पिछले साल नवंबर से ही आंकड़े आने शुरू हो गए थे कि ऐसे निमोनिया के केस आ रहे हैं जो अलग तरह के हैं। 10 डॉक्टर थे 8 डॉक्टर थे जिन्होंने एक वेबसाइट में इसे छापा भी था, लेकिन ये जो विसल ब्लोअर डॉक्टर थे इन सबसे वो रिपोर्ट हाशिए पर रखवा ली गई। उनके एक और डॉक्टर थे जो आंखों के डॉक्टर थे, वो तो बाद में कोरोना से ही लड़ाई लड़ते हुए मारे गए थे, तो चीन ने आके वहां भी ये छुपाया था। हाँ, एक चीज मैं भूल गया, हर देश हर महीने वो कितना आयात निर्यात करता है इसका डाटा, इसका आंकड़ा बताता है, लेकिन जनवरी में चीन ने कितना निर्यात आयात किया ये आंकड़ा वो छुपा गया। क्यों छुपा गया? क्योंकि उसे पता था कि अगर वो आंकड़ा बताएगा तो पूरी दुनिया सजग हो सकती है कि आखिर ये पीपीई किट है, मास्क है, ग्लोव्स है, थर्मामीटर है, इसका आयात निर्यात में ये क्या मामला गड़बड़ चल रहा है। चीन ने जनवरी और फरवरी का डाटा एक साथ मिलाकर मार्च में पेश किया, तब तक तो पूरी दुनिया को कोरोना के बारे में पता लग ही गया था। इससे भी पूरी तरह से जाहिर होता है कि चीन चालाकी बरत रहा था। तो हम बात कर रहे थे कि वेबसाइट वाले मामले को लेकर कि वो जो और डॉक्टर थे, 8 डॉक्टर थे, उनको विजल ग्रोअर की तरह जो काम कर रहे थे उनसे रिपोर्ट हटवाई गई 10 जनवरी को ही, नहीं तो दुनिया को पता लग जाना चाहिए था। 31 दिसंबर को ताइवान ने
छापा एक अखबार ने कि ताइवान की सरकार ने WHO से कह दिया था कि कोरोना वायरस मनुष्य से मनुष्य को फैलता है, लेकिन 14 जनवरी को WHO ने ट्वीट करके कहा कि ऐसा नहीं होता। WHO के डायरेक्टर जनरल है डॉक्टर टेड्रॉम, उनका और चीन से राष्ट्रपति शिनपिंग से क्या रिश्ता है, इसको लेकर बहुत सारे सवाल उठ ही रहे हैं। बहुत देर बाद WHO ने इसको महामारी घोषित किया था। WHO के डायरेक्टर जनरल चीन गए थे जब पूरी ताइवान की खबर आई थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने चीन में जाकर शिनपिंग से गले मिले थे और तब कहा था कि नहीं, ये सब गलत है और ऐसा मनुष्य से मनुष्य नहीं फैलता है कोरोना, और चीन के राष्ट्रपति पर उन्हें विश्वास है। हालांकि बाद में बातें छुप नहीं पाई और 20 जनवरी को चीन को ये घोषित करना ही पड़ा कि कोरोना के बारे में, और उसके बाद, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, 50 लाख लोग युहान से दुनिया भर के दूसरे देशों में जा या आ चुके थे। अगर चीन पहले इस तरीके की बात बता देता तो कम से कम ये 50 लाख लोग जो इधर उधर गए कोरोना को का वायरस लेकर, उन जिन्होंने पूरी दुनिया में तबाही मचाई, तो पूरी दुनिया में तबाही बच सकती थी। हम माइक पोम्पियो की बात कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि वहां डॉक्टर गायब हो गए, तो जिसमें से एक डॉक्टर हैं, लॉ प्रोफेसर हैं शू जुगरन, उन्होंने 20 फरवरी को एक ब्लॉग लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि चीन कैसे तानाशाही तरीके से पेश आ रहा है कोरोना वायरस पीड़ितों के समाधान के लिए, और वो डॉक्टर अभी तक गायब है। एक और डॉक्टर थे, महिला डॉक्टर थी, वो भी अभी तक गायब है, इसके बारे में भी कुछ पता नहीं लगा है। अब बड़ा सवाल उठता है कि अमेरिका, उसके साथ यूनाइटेड किंगडम, उनके भी विदेश मंत्री कह चुके हैं कि चीन के साथ बिजनेस अब पहले जैसा नहीं रहने वाला है, लेकिन भारत इस मामले में अभी तक खामोश है। कोरोना वायरस का असर कम होगा या खत्म होगा, उसके बाद चीन के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है या नहीं होती, ये देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन चीन के इस नए खुलासे ने हम सबको एक बार चौंका जरूर दिया है। ABP News, आपको रखे आगे।